Am I nominated? Oh, okay, okay. I didn't know. But I've come here for GQ because it's a magazine I read, and Shay's a good friend, and I'm here for him. And it's one of those rare nights when I'm actually out, so it feels good being out here. जी मेरे लिए स्टाइल आइकॉन काफ़ी स्टाइल आइकॉन्स है लेकिन अगर हॉलीवुड की बात करूँ इंटरनेशनल की बात करूँ तो शायद एक ही नाम मेरे जहन में आता है वो है जॉर्ज क्लूनी वो मेरे लिए एक कंप्लीट मैन है वो बहुत ही जो अपनी एज है वो दिखाता है और इज़ वेरी वेरी सेक्सी अरे आई थिंक हमारे इंडस्ट्री में भी काफ़ी एक्टर्स बहुत ही स्टाइलिश है और शायद आज काफ़ी एक्टर्स यहाँ पे आएंगे जो काफ़ी स्टाइलिश है मैंने सुना कि प्रतीक बब्बर आ रहा है आई थिंक इज़ एक्सट्रीमली स्टाइलिश एंड वेरी गुड लुकिंग और अर्जुन कपूर आ रहे हैं नॉट अ वेरी हैंडसम गाय तो हमारी जो यंग लॉट है मेरा जो को स्टार है वरुण बहुत ही स्टाइलिश है और आई थिंक द एंटायर यंग लॉट इज़ वेरी वेरी स्टाइलिश जी वो शायद जीक्यू वाले को पता होगा सो आई रियली डोंट नो आई जस्ट कम हियर बिकॉज जैसे मैंने कहा कि जीक्यू का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं जीक्यू पढ़ता हूँ और इनके जो एडिटर है मेरे अच्छे दोस्त हैं तो इनके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ थैंक यू सॉरी आई डिडंट नो दैट हाँ जी डिशुम के ट्रेलर को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वी वेट फॉर द फिल्म एंड वॉच द फिल्म उसके बाद हमें पता चलेगा क्योंकि हर एक चीज़ पे एक्साइट होना ज़रूरी नहीं है और ट्रेलर्स का फैंटास्टिक रिस्पांस बट जी कॉम्प्लीमेंट पता नहीं रिसेंटली किसी ने कहा कि यू हैव एन एज्ड वन बिट फ्रॉम दोस्ताना टू डिशुम आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई रिसीव किसी ने कहा कि शूटिंग के बाद डू यू गो एंड पुट योरसेल्फ इन आइस एंड फ्रीज योरसेल्फ सो आई फील गुड अबाउट इट थैंक यू सो आई एम वेयरिंग गौरव गुप्ता टुनाइट एंड आई थिंक इट्स डिफरेंट फॉर मी बट इट लुक्स फैंटास्टिक बिकॉज़ आई लव ब्लैक ब्लैक इज़ फैंटास्टिक सी यू बाय बाय